गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। व्हाट इज वर्क? वर्क डन है क्या चीज? चलिए आइए समझते हैं इसको। एक स्टूडेंट है, उसको होमवर्क मिला है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम कर रही है और उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया। उसको लग रहा है उसने बहुत ज्यादा काम किया है। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन नहीं किया उस लड़की ने। सिमिलरली एक लड़का है, वो दीवार को पुश कर रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, उसकी बहुत मेहनत लग रही है और उसको लग रहा है आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। बट अगेन इन साइंटिफिक लैंग्वेज नो वर्क इज डन। तो ये आखिर वर्क डन है क्या चीज? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन। वर्क डन तभी बोला जाता है जब फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में उसकी नेट पोजीशन में कुछ चेंज लेके आती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट लेके आती है। फोर्स हमने पढ़ा था, इट्स अ काइंड ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल का एक फिनोमेना है और ये पुश और पुल जिस ऑब्जेक्ट पे लगता है या तो उसकी शेप में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन में चेंज आता है। जब ये फोर्स लगती है और जब चेंज ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आता है तब हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है, उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे काम किया है। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की पोजीशन में क्या नेट चेंज आया है उस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है, कार्ट को पुश करके ले जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। जब वो पुश कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई की और जो कार्ट की मूवमेंट है वो भी लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुई। तो कार्ट की मूवमेंट और उस लड़के ने जो फोर्स लगाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हम बोलेंगे यस वर्क इज डन बाय अ बॉय ऑन द कार्ट। कार्ट पर वर्क, लड़के ने वर्क डन किया है। सिमिलरली एक लड़की है, वो कार्ट को पुल करती हुई ले जा रही है एक हैंडल के जरिए। अब ये हैंडल की आप डायरेक्शन देखें, कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, लेकिन जो मूवमेंट है कार्ट की वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। लड़की कुछ एंगल से, ये जो हैंडल है कुछ एंगल पे है, उसको खींच रही है। तो इस केस में फोर्स एप्लीकेशन के दो कॉम्पोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जिसको हम एफ एक्स बोलते हैं और दूसरा वर्टिकल कॉम्पोनेंट जिसको एफ y बोलते हैं। तो जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो कार्ट की है वो सेम डायरेक्शन में है और हम तब भी बोलेंगे कि इस लड़की ने वर्क डन किया है, एंगल बना के खींच रही है कार्ट को थ्रू हैंडल। बट अगेन फोर्स का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, कार्ट की मूवमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। देन विल से वर्क इज सेड टू बी डन बाय दिस गर्ल। तो वर्क डन तब बोला जाता है फोर्स बॉडी पे एक्ट करे और उस बॉडी की मूवमेंट हो फोर्स की डायरेक्शन में और उसमें उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोलेंगे वर्क इज सेट टू बी डन। और वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन ए बॉडी। अब समझते हैं किन फैक्टर्स पे वर्क डन डिपेंड करता है, वर्क डन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर नंबर वन इज द डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी देखा वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होगा तो वर्क डन भी कम ज्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार्ट पुलर है, कार्ट पुलर ने एक लेडी को जिसका वेट 50 केजी है उसको बिठाया हुआ है और उसको वो खींचता हुआ 1 किलोमीटर तक ले जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें उसकी जो कार्ट है दैट इज 1 किलोमीटर। इस केस में इसकी वर्क डन होगा फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसने एफ फोर्स अप्लाई की और 1 किलोमीटर तक वो खींच के लेके गया, तो वर्क डन बाय द कार्ट पुलर इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। अब वो उसी कार्ट को अगर 2 किलोमीटर तक लेके जाता है, सेम फोर्स लगाता है और 2 किलोमीटर तक लेके जाता है, देन इन दैट केस द वर्क डन वुड बी फोर्स अप्लाइड इंटू 2 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है तो फोर्स अप्लाइड इंटू 2 किलोमीटर। तो सेकेंड केस में वर्क डन डबल हो जाएगा, उसको उसने ज्यादा काम किया बिकॉज वो ज्यादा किलोमीटर तक खींच के लेके गया कार्ट को, डबल उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पहले के मुकाबले। सो द फर्स्ट फैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से उतना ज्यादा वर्क डन कहलाया जाएगा। एंड द फैक्टर नंबर टू इज द फोर्स अप्लाइड।
जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन माना जाएगा। वो एग्जाम्पल लेते हैं, कार्ट पुलर ने जो लेडी 50 केजी की है बैठी हुई है उनको 1 किलोमीटर तक खींच के ले जाता है, एफ फोर्स वो लगाता है। इन दैट केस वर्क डन वुड बी फोर्स अप्लाइड बाय द कार्ट पुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द कार्ट 1 किलोमीटर। वर्क डन हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। दूसरे केस में कार्ट पुलर अपने कार्ट में दो लेडीज को बिठाता है जिनका वेट 50 केजी ईच है, तो टोटल वेट हो गया 100 केजी। अब उसको वो 1 किलोमीटर तक खींच के ले जाता है और वो सेम टाइम पे पहुंचना चाहता है जितने टाइम पे पहले वाला कार्ट पुलर पहुंचा है, तो इन दैट केस उसको डबल फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके कार्ट में दो लेडीज बैठी हुई जिनका वेट डबल है फर्स्ट कार्ट पुलर में जो लेडी बैठी है उनके उसके मुकाबले, तो उसको डबल फोर्स लगानी पड़ेगी अगर वो सेम टाइम पे पहुंचना चाहता है। डबल फोर्स का मतलब द वर्क डन हैज टू बी ट्वाइस, उसको डबल काम करना पड़ेगा। तो देखा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाई उतना ज्यादा वर्क डन, जितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क डन। अब एक चीज और समझते हैं, द वर्टिकल फोर्स डज नो वर्क ऑन ए हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। एक वर्टिकल फोर्स कोई काम नहीं करती एक हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन दैट केस द वर्क डन बाय दैट फोर्स दैट वर्टिकल फोर्स इज जीरो। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़का है, लड़के ने अपने पीछे बैग को टांगा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब मैं बात करूं क्या लड़का बैग के ऊपर कुछ काम कर रहा है, बैग के ऊपर उसने वर्क डन किया है, तो इन दैट केस इट वुड, तो यस द वर्क इज डन बाय द बॉय बिकॉज लड़का आगे की तरफ मूव कर रहा है और बैग उसने पीछे टांगा हुआ है, बैग को भी वो खींचते हुए आगे की तरफ ले जा रहा है। लड़के ने फोर्स लगाई है और बैग को भी अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा है। सो बोथ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय एंड द मूवमेंट ऑफ द बैग इज इन द सेम डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे यस वर्क इज डन बाय द बॉय। अब मैं बात करता हूं वर्क डन बाय द अर्थ। अब बैग खींचता हुआ लड़का बैग खींचता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, बैग को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्राउंड, अर्थ के पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक खींचने की शक्ति है वो बैग को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जो बैग की मूवमेंट है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बैग की डिस्प्लेसमेंट और अर्थ की खींचने की जो डायरेक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में अगर हम देखें तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है। जब भी फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा उस केस में वर्क डन बाय द वर्टिकल फोर्स वुड बी जीरो। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय द अर्थ, इस केस में बैग के ऊपर उसका जीरो होगा बिकॉज अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है जबकि बैग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है बिकॉज लड़का उसको अपनी तरफ अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा है। सो वर्टिकल फोर्स डज नो वर्क ऑन द हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट and in this case the work done is zero. So I hope students ye aapko samajh aaya hoga. Ab fatafat isko summarize kar lete hain. Work is said to be done when the force acting on the body produces some displacement in its direction. Work done tab bola jata hai jab force kisi object pe lagti hai uske andar displacement lati hai apni direction mein. Work done ka formula hai force multiplied by displacement. Work done on a body depends on the force applied and the displacement produced in it due to this force. जो work done है वो force apply पे depend करता है और displacement पे depend करता है, दोनों के directly proportional है। जितना work done जितनी ज्यादा displacement उतना ज्यादा work done. And when the applied force acts vertically on the horizontally displaced body, the work done is said to be zero. जब vertical force लग रही है लेकिन body की displacement horizontal हो रही है उनके बीच में 90 degree का एंगल बन रहा है तो हम उस केस में बोलेंगे वर्क डन इज सेट टू बी जीरो। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसलिए द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज जीरो। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज जीरो, इज दिस ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि वर्क डन अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है और बॉल धरती की तरफ खींचा चली जा रही है, तो आपको बताना है इस केस में वर्क डन बाय द अर्थ जीरो है या नहीं है, इज दिस ट्रू और फॉल्स। सेकेंड वन फॉर यू, इफ द फोर्स अप्लाइड इज डबल द वर्क डन इज ऑल्सो डबल्ड कीपिंग द डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर मैंने फोर्स लगाई डबल फोर्स कर दी तो वर्क डन भी मेरे द्वारा डबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं सेम रखता हूँ, इज दिस ट्रू और फॉल्स। एंड लास्ट वन फॉर यू, द वर्क डन बाय अ बॉय इन लिफ्टिंग द 20 न्यूटन वेट टू द हाइट ऑफ 1 मीटर इज
एक लड़के द्वारा वर्क डन कितना होगा अगर वो 20 न्यूटन का वेट 1 मीटर हाइट तक लेके जाता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।